हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बिजनेस अकेडमी। आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन जो है अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो आपका नज़दीक है, बहुत ही नज़दीक है। तो आप लोग जो है अच्छे से पढ़ते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए और रिविज़न करते रहिए। रिविज़न अभी का सबसे इम्पोर्टेंट काम है आपका, कि जो भी चीज़ आप लोगों ने पढ़ लिया है उसका रिविज़न करते जाएँ, ठीक है। क्योंकि इस समय में आपको नया कुछ भी करने के लिए नहीं है। जो भी आप पढ़ चुके हैं, जैसे कि मैथ्स में, तो जो आपका बढ़िया मैथ्स में, जैसे अर्थमेटिक जिनका अच्छा है वो अर्थमेटिक पे ध्यान दें, और उससे अच्छा करें कि अगर मेरा क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आ जाता है अर्थमेटिक से, तो हम उससे 15 में 15 अपना जो क्वेश्चन हैं उन्हें सोल्व कराएं, ठीक है। तो ऐसे ही जो भी आपके सेक्शंस हैं, हर सेक्शन पे अच्छे से ध्यान दीजिए, और जो पढ़ चुके हैं उनका आप रिविज़न करिए। जैसे जीएस, तो लूसेंट जो आपका इंपॉर्टेंट बुक है आप उससे रिविज़न करें, और लूसेंट के से ही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्जाम में, जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, उसका भी जो है हम टेलीग्राम चैनल जो है हमारा द इम्पजेस अकेडमी, वहाँ पर भी हम डेली शेयर कर रहे हैं, ताकि आपको जो है जीएस में भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। फिर आता है हमारा रीजनिंग। तो रीजनिंग आई होप कि आप लोग जब सेट प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो वहाँ पर इतना अच्छा प्रैक्टिस कर लिए होंगे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर मैथ्स हो गया, जीएस हो गया, रीजनिंग हो गया, और अब बात करते हैं इंग्लिश पे। तो इंग्लिश में हम लोग डेली हर कुछ नया सीख रहे हैं। अभी हम लोग प्रीपोजिशन 3 पार्ट कर चुके हैं, 2 पार्ट उसका और आएगा। हम लोग वॉइस पढ़ चुके हैं, एंटो, साइनो, जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट हैं इंग्लिश के सारे हम बता चुके हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग सभी अच्छे से पढ़ रहे हैं, हर एक सेक्शन पर अच्छे से ध्यान दे रहे हैं और सभी चीज़ों का रिविज़न कर रहे हैं, ठीक है। आपको रिसेंट में आइडम एंड फ्रेजेस के लेसन मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर के हैं, और सीपीओ का जो 2019 में एग्जाम हुआ है इसका, उसका एंटी और साइनो आपको 15 फरवरी तक सब कुछ मिल जाएगा, ताकि आप जो है 15 दिन में रिवीजन कर सकें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, ये ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, ठीक है। इसमें जो है हम लोग करेक्टली स्पेल्ड पढ़ेंगे, ठीक है। करेक्टली स्पेल्ड यानी कि 4 ऑप्शन हैं, और एग्जाम में 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, चाहे वो पीटी हो गया, मेंस में तो और क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं इससे, करेक्टली स्पेल्ड या फिर मिस स्पेल्ड। तो हम लोग जो है यहाँ पर करेक्टली स्पेल्ड कुछ वर्ड्स हम लोग यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट जो है आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 150 क्वेश्चंस जो करेक्टली स्पेल्ड हैं और 150 क्वेश्चंस जो मिस स्पेल्ड आपको आते हैं एग्जाम में, वो आपको जो है हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस लेसन को एक बार अच्छे से देख लें, और फिर हमारा टेलीग्राम चैनल है वो आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप जाएँ और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है वहाँ पर क्लिक करके हमें ज्वाइन करें, और टेलीग्राम चैनल पे ही आपको इसका पीडीएफ दे दिया जाएगा, करेक्ट स्पेल्ड और मिस स्पेल्ड का, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं आज का पहला करेक्टली स्पेल्ड। देखिए, फैसिमाइल है यहाँ पे हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है फैसिमाइल। तो आपके पास जो है यहाँ पर 4 ऑप्शंस देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इन 4 ऑप्शंस में से जो आपका राइट स्पेल्ड है वो है आपका ऑप्शन बी, ठीक है। FACSIMILE, फैसिमाइल मतलब होता है ठीक सदृश, यानी कि एक अच्छा खासा व्यू, ठीक है, यानी कि ठीक सदृश, यानी कि आप जो है अच्छे से उसे देख पा रहे हैं। तो क्या हो गया, फैसिमाइल ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो गया। आपको यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, करेक्टली स्पेल्ड, यानी कि ये जो चारों स्पेल्ड यहाँ पर लिखे हुए हैं, स्पेलिंग जो लिखे हुए हैं, इनमें से 3 जो है आपके गलत हैं, और 1 जो है आपका वो सही स्पेल्ड किया गया है, और यहाँ पर जो सही स्पेल्ड है वो है आपका ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये जो इम्पोर्टेंट आपके जो करेक्टली स्पेल्ड है यहाँ पे वही आपको बताया जा रहा है, और बाकी जो है आपको इसके साथ साथ जो और भी इम्पोर्टेंट है वो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल है, आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। वहाँ पे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि द हिंदू जो आपका न्यूज़पेपर है उससे डेली इम्पोर्टेंट जो वर्ड मीनिंग्स होते हैं वो आपको वहाँ पर दिया जाता है पीडीएफ फॉर्म में। जीएस के इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो आपको दिए जा रहे हैं, और जो लेसन्स हो चुके हैं उनमें से कुछ कुछ के भी पीडीएफ वहाँ पर अवेलेबल हैं, और करेंट अफेयर्स के पीडीएफ और लेसन दोनों आपको अवेलेबल हो रहा है 15 फरवरी के आसपास तक, ताकि आपके पास 15 दिन रहे तो आप अच्छे से उसका रिविजन कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हम लोग सीखें, ऑप्शन बी फैसिमाइल का स्पेलिंग। चलिए आगे देखते हैं, एक्वेरियम, AQUARIUM, यानी कि यहाँ पर देखिए इसका भी ऑप्शन जो है बी यहाँ पर राइट आंसर है। एक्वेरियम मतलब होता है मत्स्यशाला, यानी कि यहाँ पर मछलियाँ रखी जाती हैं, ठीक है, तो मत्स्यशाला। फिर है आपका डिफ्यूजन का स्पेलिंग यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है, DIFFUSION, डिफ्यूजन मतलब होता है फैलाव। क्या होता है डिफ्यूजन मतलब फैलाव। तो देखिए हम क्या किए हैं कि यहाँ पर जो राइट स्पेल्ड है उसका हिंदी भी यहाँ पर, उसका अर्थ भी हम लिख दिए हैं, ताकि यहाँ पर देखिए
हर का एक हम यहाँ पर अर्थ भी लिखते चले गए हैं, ताकि इनसे रिलेटेड भी अगर आपको एंटोसाइनो में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप यहाँ पर याद करके और वहाँ पर अपना जो है एंटोसाइनो भी इसके हिसाब से बना पाए। ठीक है, तो आपको दो फायदा हो रहा है, एक तो यहाँ पर कि एक करेक्टली स्पेल्ड आपको पता चल रहा है, और दूसरा ये कि इसका अर्थ भी साथ साथ में पता चल रहा है। ठीक है, तो फैसिमाइल यानी कि ठीक सदृश, एक्वेरियम यानी कि मतलब से साला, डिफ्यूजन यानी कि फैलाओ, DIFFUSION। ठीक है, फिर आगे देखते हैं सरकम लोकेशन, CIRCUMLOCUTION। सरकम लोकेशन मतलब होता है घुमा फिरा कर बात करना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, फिर है जो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है उसका है ऑप्शन डी, यहाँ पे राइट आंसर है कनेसिया, मतलब होता है पारखी। क्या होता है पारखी, यानी कि जो है किसी चीज में विशेषज्ञ है। इसका स्पेलिंग देखिए, हमेशा जो है ऐसे क्वेश्चंस में यहाँ पर जैसे देखिए COOON है, तो एग्जामिनर क्या कर देगा, सिर्फ सिंगल एन कर देगा और यहाँ पे डबल ओ कर देगा। यहाँ पर देखिए ओ जो है कर देगा एग्जामिनर डबल ओ, तो अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप इरर करके आइएगा। तो यहाँ पर इसीलिए जो है इंपॉर्टेंट है, हम यहाँ पर आपको सारे बता चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट स्पेल के लिए है वो आपका ऑप्शन डी हो गया, इसका मतलब होता है पारखी। आगे देखते हैं फॉर्चुअस, FORTUITOUS, फॉर्चुअस मतलब होता है आकस्मिक या फिर भाग्यशाली। तो यहाँ पे ये राइट स्पेल्ड है और इसका हिंदी भी आप लोग अर्थ भी जो है याद कर लें। फिर है कंपटीशन, COMPETITION। कंपटीशन मतलब होता है प्रतिस्पर्धा, जो आप SSC का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें भी आपके बहुत सारे कंपटीटर्स हैं जिनको आपको कम्पीट करना है, कंपटीशन देना है। ठीक है, तो कंपटीशन यानी कि प्रतिस्पर्धा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं सेरिकुलम मतलब होता है पाठ्यक्रम, सेरिकुलम मतलब क्या होता है पाठ्यक्रम। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, CURRICULUM। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। आगे देखते हैं मैग्निफिसेंट यानी कि भव्य, MAGNICIENT, मैग्निफिसेंट यानी कि भव्य, ऑप्शन है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये तीनों स्पेलिंग जो है ये आपके गलत है। आगे देखते हैं एग्रीएबल यानी कि सहमत, AGREABLE। ठीक है, एग्रीएबल यानी कि सहमत, तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे राइट आंसर है। बाकी तीनों ऑप्शन जो है ये गलत है। और देखिए यहाँ पर जो तीनों ऑप्शन है ये गलत इसलिए लिखे गए हैं क्योंकि आगे इन वर्ड्स के भी जो है राइट स्पेल्ड आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए जो है हम हर एक वर्ड को राइट नहीं लिखे हैं, क्योंकि अगर राइट लिख देंगे तो फिर आपको याद करने में दिक्कत होगा कि यहाँ पर जो सारा राइट है एग्जामिनर हमें गलत कैसे लिख कर देगा। ठीक है, तो इसलिए जो है हम यहाँ पर हर जो एक राइट आंसर है उसी को सही लिखे हैं, बाकी तीन को गलत लिखे हैं। और ये जो तीन ऑप्शन जो बाकी रिमेनिंग है इन तीनों ऑप्शन के आपके राइट करेक्टली स्पेल्ड इनको भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या सीखे, एग्रीएबल यानी कि सहमत, ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर था। उसके बाद है एवरियंस, एवरेंस मतलब होता है विपत्ता, यानी कि आप जो है राह से भटक जाते हैं, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ABERNCE। ठीक है, तो विपत्ता, देखिए इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन करना ही होगा, PDF आपको वहीं पर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आप लेसन देखकर कमेंट जरूर कर दें कि हाँ ये एक अच्छा लेसन है, आपको जैसा भी आपका व्यू हो। ठीक है, आप जरूर कमेंट करें, उसके हिसाब से फिर आपको PDF वैसे भी मिलना है, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको अगर दो क्वेश्चन आ गए हैं तो 4 नंबर आपको वहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो अगर 4 मार्क्स आपको मिल रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है हम इस पर एक लेसन बना दिए छोटा सा, ताकि आप जो है इस हमारे साथ जुड़ सकें टेलीग्राम चैनल पर। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगे तो आप हमारे साथ यूट्यूब पर भी जुड़ सकते हैं और साथ में बहुत कुछ सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आगे है सिमेट्री यानी कि समाधि स्थल, CEMETERY। ठीक है, यहाँ पर स्पेलिंग पर ध्यान देना है आप लोग को, इसलिए यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है। यहाँ पर एग्जामिनर आपको कर देगा ए, ठीक है, या फिर यहाँ पर कर देगा ए, इसलिए जो है स्पेलिंग आप हमेशा याद करते जाए। तो सिमेट्री क्या हो गया, समाधि स्थल। आगे क्या है एंटीसीडेंट यानी कि पूर्वज, ANTECEDENT। यहाँ पर देखिए चारों जो है एंटीसीडेंट ही लिखे हुए हैं, लेकिन कौन सा आपका राइट स्पेल्ड है, तो ऑप्शन बी आपका राइट स्पेल्ड है। एंटीसीडेंट मतलब क्या होता है पूर्वज। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ये है करेक्टली स्पेल्ड के कुछ लेसन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं। और इससे अगर आपको चाहिए और लेसन तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन करें। वीडियो जो ये लेसन है इसके अपलोड होने के 24 आवर्स विथिन जो है आपको वहां पर मिल जाएगा इसका पूरा PDF, जो 150 आपके होंगे करेक्ट स्पेल्ड और 150 होंगे मिस स्पेल्ड, जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अगर ये लेसन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और शेयर भी करें अपने स्टडी ग्रुप्स में, ताकि और लोग जो है इसे देखें, समझें, सीखें और हमारे साथ जुड़ें। मिलते हैं कल की क्लासेस में। थैंक यू।